दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से यात्रियों को निकालने की ये कवायद बताती है कि हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा। कोई ट्रेन के खिड़की से बाहर निकल रहा है तो कोई ट्रेन के ऊपर से। यात्रियों और रेस्क्यू टीम की मुश्किलें इसलिए भी दोगुनी हो गई क्योंकि हादसा एक टनल में हुआ। यही वजह है कि लोगों को दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से निकालने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। ताइवान के हुलियन काउंटी के द किंग सुई टनल से जब 400 से ज्यादा यात्रियों को लेकर ट्रेन गुजर रही थी, उसी दौरान ट्रेन के सामने अचानक एक बड़ा ट्रक आ गया और टक्कर होते ही ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। यहां पर काम चल रहा था और काम करने वालों ने बिना हैंड ब्रेक ढलान पर ट्रक खड़ा कर दिया था। यही ट्रक ट्रेन से टकरा गया। हादसे में 48 लोगों की मौत के साथ अब तक 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये ट्रेन टारोको से शुलिन जा रही थी। ताइवान में किंगमिंग फेस्टिवल पर 4 दिन की छुट्टी थी, इसलिए ज्यादातर यात्री लंबी छुट्टियों में घूमने के लिए जा रहे थे। ताइवान में पिछले 4 दशक में ये सबसे भयंकर ट्रेन हादसा है। दुर्घटना के तत्काल बाद राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया और हादसे के कारणों की जांच के भी आदेश दे दिए गए। उधर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने घटना में मरने वालों के प्रति शोक जताया है और राहत कार्य का भी जायजा लिया।